हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज जो सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ, जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके लिए सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, जो आपके आई थिंक आप लोग जो शिक्षक भर्ती आई थिंक जो वैकेंसी निकलने वाली है इस लास्ट मंथ तक, इस तक जो डिटेल फुल डिटेल इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे वैकेंसी शिक्षक कर्मी के लिए आने वाली है। तो आपके जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी आपके पास टाइम वगैरह नहीं है। जो भी आपका बुक अगर नहीं लिए होंगे तो बुक अगर भी ले लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर सिलेबस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मुझे फुल डिटेल जो सिलेबस पे मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दे दूँगा, इसका फुल डिटेल मैं डाल दिया हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको पूरी डिटेल से आप देख सकते हैं। उसको प्रिंट आउट करवाना चाहिए तो प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो शिक्षक पद है, तो जो परीक्षा जो व्यापम के द्वारा जो संचालित किया जाएगा, तो व्यापम के द्वारा वैकेंसी कुछ दिन में आने वाली है। मोटा मोटा मान के चलिए वैकेंसी जो है आपके कुछ दिन में, डिटेल इसका डाला था, लगभग बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, जो शिक्षक पद है, तो यहाँ पे जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों पद के लिए इसको स्वीकार किया जाएगा। तो इसमें आपका जो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपका 150 अंकों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। वहीं देखते हैं आप सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी हिंदी में देखें तो सामान्य हिंदी से इसमें 25 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 25 अंकों का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सामान्य हिंदी में आपका जितने भी ग्रामर, जो हिंदी में ग्रामर ही आपको पढ़ना रहता है, तो हिंदी में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, एकवचन, बहुवचन, जितने भी हिंदी में हैं, व्याकरण उसको आपको पढ़ना है। तो व्याकरण में सबसे ज़्यादा हिंदी में व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डाल दूँगा वहाँ पर, आप कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले भर्ती में, तो आपको आई थिंक समझ आएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं डाल दूँगा। इसके बाद देखते हैं, हो गया बाल विकास, सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य अंग्रेजी, ये आपका 25 अंक का ये आपका सामान्य अंग्रेजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस सामान्य अंग्रेजी से इंग्लिश से आपको इसमें ग्रामर, ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह जो जितने भी इंग्लिश में जो ग्रामर है उनके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अंग्रेजी में आपसे 25 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश से। इसके बाद देखते हैं चौथा, गणित और विज्ञान, तो गणित और विज्ञान इन दोनों से यहाँ पे 30 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 30 नंबर आपका हो गया गणित और आपका विज्ञान से, तो दोनों में से आपको गणित और विज्ञान में 30 नंबर, तो 15-15 क्वेश्चन मान के चलिए, तो 15 जो क्वेश्चन आपके गणित रहेंगे और 15 जो क्वेश्चन आपका इसमें विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखते हैं सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में आपसे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें आपको 20 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन से। इसके बाद देखते हैं आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, तो कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है यहाँ से 10 अंक का यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए यहाँ पर 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ पे 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीके यहाँ से और कंप्यूटर से इन दोनों से 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से देखें तो सबसे ज़्यादा अगर नंबर है तो आपका यहाँ से बाल विकास और आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी इन यहाँ पर गणित विज्ञान से 30 नंबर, तो टोटल यहाँ पे देखें तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा। तो 150 में यहाँ पे जो ज़्यादा ज़्यादा नंबर आपका 30-25 ये आपको दोनों 10 का है, तो यहाँ पे 30 देखें तो आपका बाल विकास शिक्षा छात्र है और दूसरा आपका गणित और विज्ञान है 30-30 नंबर का, माची जो 25-25 है आपके सामान्य हिंदी और अंग्रेजी क्वेश्चन
पूछा जाएगा, तो दोनों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपसे जो है 150 अंकों का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे कि न्यू का जो न्यू स्टूडेंट होते हैं तैयारी करते समझ नहीं आता उन लोग को, तो कैसे तैयारी करना है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाए कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके शिक्षाकर्मी जो भर्ती क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कैसे ढंग से और तैयारी कर कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको यहाँ से नॉलेज मिल जाता है ताकि आपको जो क्रैक करने में एग्ज़ाम आसानी होती है। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ तो हो गया आपका सिलेबस पे, इसका फुल डिटेल्स देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अलग से, उसमें पूरी डिटेल के साथ मैं सिलेबस को डाल दिया हूँ तो उसमें आप देख पाएंगे। इसके वहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ पे मैं सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट पढ़ा रहा हूँ, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं लूसेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो लूसेंट से आपसे लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। 10 नंबर इसमें आप खींच सकते हैं। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान भी इसमें आप दोनों को ले रहा हूँ तो इसमें दोनों आपका आ जाएगा। सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान और यहाँ पे सामान्य हिंदी भी मैं पढ़ा दूँगा, और यहाँ के जो सामान्य अध्ययन में आपके विनय पाठक बुक लग से ले सकते हैं अच्छी है, और विज्ञान का लूसेंट के ले सकते हैं, गणित के लिए आप RS अग्रवाल का बुक भी ले सकते हैं, तो उन दोनों के लिए बहुत अच्छा रहते हैं गणित के लिए। सामान्य अंग्रेजी के लिए उसके लिए भी स्पीडी का भी आते हैं और लूसेंट का भी आता है बुक, तो दोनों अच्छी है इसके लिए अंग्रेजी के लिए, जिसमें ग्रामर से 25 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विनय पाठक का बुक हिंदी के लिए ले सकते हैं, हिंदी के लिए उनको बेस्ट माना जाता है, और इसे बाल विकास के लिए बहुत सारे बुक है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से बुक को अभी से ले लीजिए, टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो सिलेबस भी बहुत बड़ा है, इतना आपको पढ़ना है तो 150 अंकों का होगा, तो अभी से बढ़िया पढ़ना स्टार्ट कीजिए और 2023 में आप सिलेक्शन लीजिए। तो यहाँ पे टाइम टेबल बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो टाइम टेबल जो भी आपके पढ़ने का जो समय है उसको शेड्यूल बना लीजिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से टाइम आपको हिंदी अंग्रेजी जो भी आपका समय है उसको अलग अलग टाइम में इसको बांध लीजिए, कौन से टाइम में आपको सोना खाना पीना है, टाइम टेबल बनाइए उस पर चलिए, उस पर इस पर चलेंगे तो आपका जो सिलेबस है जल्दी तैयार हो जाएगा, सभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइम आपको रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो रिवीजन पे 15 दिन बचेगा तो आपको रिवीजन में फोकस करना है, तो अभी से टाइम टेबल बना लीजिए और सिलेबस को हो सके तो प्रिंट आउट करवा लीजिए, सामने में रखेंगे तो पढ़ने का मन करता है कौन कौन सा पार्ट छूटा है नहीं छूटा है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे सिलेबस हो गया, बुक भी यहाँ पे ले लीजिए, बहुत सारे बुक ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, और सामान्य ज्ञान के लिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे कुछ सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस को आई थिंक ये मैं शॉर्टकट बताया हूँ, इसका जो फुल डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे प्लेलिस्ट में डाल है, इसको फुल डिटेल्स के साथ देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से चैप्टर क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ पे पूरा डिटेल वहाँ पर मैं डाल दिए हूँ। तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं, ऐसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स में डेली बेस पे पढ़ाता हूँ, जो आपके छत्तीसगढ़ का भी पढ़ाता हूँ और आपके इंडिया लेवल का भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, बस आज के लिए।